पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है और एक बिहारी का नाम चर्चा में आ गया है। वो नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह का। खबर है कि पंजाब में भगवंत मान की आप सरकार में कुंवर विजय प्रताप सिंह गृह मंत्री बन सकते हैं। ये पहली बार होगा कि एक बिहारी पंजाब में मंत्री बन सकता है। आखिर कौन है ये बिहारी जिसका सिक्का पंजाब में चमक रहा है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इनके नाम से ढेर सारी खबरें मिलेंगी, लेकिन ये खुद को क्या बताते हैं? तो ट्विटर पर कुंवर विजय प्रताप सिंह के प्रोफाइल पर लिखा है, संपूर्ण राजनीतिक क्रांति के लिए काम कर रहा हूँ। IPS, MA, LLB, MBA, PhD। 1998 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह बिहार के गोपालगंज के सिंगवलिया प्रखंड के करस घाट गांव के रहने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस और 1994 में पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत लिटरेचर में MA किया है। 2010 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से PhD की है और 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB भी किया है। इनकी रिटायरमेंट में 8 साल बचे थे जब इन्होंने जून 2021 में IG पद से VRS लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेरित होकर अमृतसर नॉर्थ विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरे और जीत दर्ज कराई है। जीत के बाद उनका पंजाब के गृह मंत्री बनना तय माना जा रहा है। परिजनों ने कहा है कि अब उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसकी वजह ये है कि वो पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनको पंजाब की अच्छी जानकारी भी है। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब पुलिस की नौकरी में अलग अलग पदों पर रहकर उन्होंने कई हाई प्रोफाइल खुलासे भी किए हैं। अपने साथ ही कई पुलिस अधिकारियों पर ही केस दर्ज कर दिए थे। उनकी पहचान एक बेदाग छवि के पुलिस अधिकारी के तौर पर बनी हुई है। वो जिस भी जिले में रहे उनके ऑफिस में आम लोग सीधे जाते थे। कई लोग काम ना होने की नाराजगी भी जताते थे, लेकिन वो बहुत ठंडे दिमाग से उनसे डील भी करते थे। दूसरी तरफ वो अपराधी और नेताओं को लेकर काफी सख्त भी है। किसी से भी भिड़ जाने में गुरेज बिल्कुल नहीं करते हैं। पंजाब में जहां भी उनकी पोस्टिंग रही, वो एक कड़क पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने गए। लेकिन अमृतसर से उनका एक खास लगाव है। काम के साथ ही उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इनमें से कई किताबें पंजाबी में ही उन्होंने लिखी हैं। कानून पुलिस के अलावा संत कबीर पर कुंवर विजय प्रताप ने किताबें लिखी हैं। आप ऑनलाइन इन किताबों को देख सकते हैं। ये भले ही बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन फर्राटे से पंजाबी बोलते हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपको और भी कई रोचक चीजें मिल जाएंगी। वो YouTube वीडियो में क्लास 10 के बच्चों को गणित भी पढ़ाते देखे जाएंगे। यही नहीं, वो 2017 में एक पंजाबी फिल्म यारा दा यार में भी काम कर चुके हैं। गोपालगंज में कुंवर विजय प्रताप सिंह के घर जश्न का माहौल है। उनके छोटे भाई मुन्ना कुंवर ने कहा कि पंजाब के IG रहते हुए वहां की जनता के लिए पूरी ईमानदारी से सेवा की है उन्होंने। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ईमानदारी से काम करने का परिणाम रहा है कि उन्हें बहुमत मिली और जनता ने विधायक बना दिया। मुन्ना कुंवर बताते हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह का गोपालगंज से बेहद अलग लगाव है। वो त्योहार मनाने के लिए पैतृक गांव जरूर आते हैं। विजय कुंवर प्रताप अगर पंजाब के गृह मंत्री बनते हैं तो ये हर बिहारी के लिए एक सम्मान की बात होगी, वो भी उस समय जब कुछ ही दिन पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में रहने वाले बिहारी और UP के प्रवासियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।